शुभस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान के पावन ओम नाम और गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर के ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होते हुए कि हे प्रभु, आप ही सर्वाधार हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता, सर्वनियंता है, सबके आश्रयदाता है प्रभु। आप प्रभु, आपके आश्रय में, अनुग्रह में, आपकी शरणागति में, आपके आलंबन में, आपके आलिंगन में रहूं प्रतिपल। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः सदर्थ भावना ईश्वर प्रणिधानात् वा तीव्र संवेगानाम् आसन्नः। ओम का अर्थ भावना पूर्वक चिंतन करते हुए अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगमा प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिश ओम का ऐसे एक बार ध्यान किया और ओम के बस हो गए। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, सजग हैं बस सो चुके। व्याधियां तन की मिटी और उत्राण सीमाएं कटी, व्याधियां तन की मिटी और उत्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटे, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं, हम योग पथ के पथिक हैं, हम वेद पथ के पथिक हैं। हमने प्रभु आपकी शरण ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग के मार्ग की शरण ली है। मनसा वाचा कर्मणा प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो आप प्रेरणा देते हो मुझे वही करना है, वह
ऐसे ही जीना है, सत्य प्रेम करुणा में जीना है। मनसा वाचा कर्मणा मुझे पवित्रता के साथ जीना है प्रभु। मुझे अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, सेवा, पुरुषार्थ के साथ जीना है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मन ताप त्रय हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। अब आत्मनिर्मल गंग में निसीम प्रेम तरंग में, अब आत्मनिर्मल गंग में निसीम प्रेम तरंग में, उस अजयनामय अंग में, उस अजयनामय अंग में। अस्तित्व अपना पथ के पथिक है हम, ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक है हम, वेद पथ के पथिक है हम, श्रेय पथ के पथिक है। प्रभु आपकी शरण, यदंग दाश त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्य। प्रभु आपकी शरणागत है, उद्धार करो प्रभु, स्वीकार करो। ध्यान योग का, भक्ति योग का, भगवान की उपासना का पहला ही चरण है एकाग्रता पूर्वक भगवान की शरणागति स्वीकार। हम हैं ही सदा भगवान की शरण में, बस इसको अनुभव करना है। और इसमें जो बाधा है अज्ञान की, क्योंकि स्थान की दूरी तो है नहीं प्रभु, अज्ञान की दूरी है, अश्रद्धा की दूरी है, अकर्मण्यता की दूरी है, अशुभ की दूरी है। अब एक तो हम ये उपाय अपनाते हैं कि सर्व प्रकार से, सर्वविध, सर्वात्मना, सब दिशाओं से भगवान की ओर अपने आप को मोड़ लेते हैं। शनै शनै उपरमे, शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया न किंचित आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित, एक ब्रह्म के सिवा और यहां है ही क्या। एक तो यह उपाय, प्रभु तेरी और जिनका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, बार बार विषयों में लगता है, तो फिर विषयों से हटाने के दो उपाय। एक तो यह है कि वेग पूर्वक, अत्यंत साहस पूर्वक
अत्यंत वीरता पूर्वक, धीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक हम अपने आप को सब दिशाओं से हटा लें। दूसरी यह है कि अपने आप को रूपांतरित कर लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रमाण, विपर्यकल्प, निद्रा, स्मृति, रूप जितने भी वृत्तियां हैं, विचार हैं, विकार हैं, और उसमें भी जो दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुष्कर्म हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्बलताएं हैं, पराधीनताएं हैं, जिन दोषों से हम जकड़े हुए हैं, उनसे अपने आप को हम उभार लें, अपने आप को रूपांतरित कर लें। एकाग्रता अथवा रूपांतरित करना अपने आप को विकारों से, और भगवान को स्वीकार करना, स्वीकार्यता, भगवान के साथ एकात्मता, फिर उसकी दिव्यता से अभिभूत हो जाना, आशीषित हो जाना। इस क्रम में जिनका चित्त नहीं लग पाता तो फिर प्राणायाम का आश्रय ले, श्वासों के साथ प्रभाव की शरणागत। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, प्रभु आपकी शरण में आया। अब मुझे स्वीकार करो प्रभु, उद्धार करो, मुझे अपना लो प्रभु। एक श्वास भरा और एक श्वास के साथ ही प्रभु के साथ एक आत्मता इतनी गहरी की प्राणों के साथ मैंने प्रणव का आधान कर लिया है, मेरे रोम रोम में ओम का प्रकाश है। प्रभु तो ही तो, तो ही तो, श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रभु की दिव्यता का आधान किया। प्राणायाम से रोग मिटते हैं, यह तो साधारण घटना है। व्याधियों की समाप्ति, यह तो बहुत छोटी सी उपलब्धि है योग की। समाधि की प्राप्ति, भगवत्ता की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो श्वासों को भीतर धारण किया तो मानो प्राणों के साथ प्रणव का, ओंकार ब्रह्म का, भगवान का आधान किया और भगवान की। दाता एक भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। एक मिनट भस्त्रिका किया और भगवान में मन लग गया, एक मिनट कपालभाति किया, एक मिनट अनुलोम विलोम किया, एक ही बार ब्राह्मीरोध गीत किया, 5 मिनट में भगवान के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जिनका चित्त बहुत ही चंचल हो, आंधी और तूफान की तरह विचारों का, विकारों का, तमस का, अंधकार का वेग उठता हो तो वेग पूर्वक कर लो। यदि चित्त शांत है तो धीरे धीरे, जैसे जिसकी चित्त की स्थिति, जैसे जिसकी मन स्थिति और परिस्थिति, उसके अनुसार आलंबन ले लेना प्राणायाम का।
द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से अपनी भव से उबारता, परम कृपा से अपनी भव से उबारता, ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारे सारी दुनिया, बलिहारे सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारे सारे दुनिया, पुजारे सारी दुनिया, दाता एक राम। तीव्र गति से मध्यम या सामान्य गति से एक बार भस्त्री का प्राणायाम किया, एक बार श्वासों का आधान किया, तो प्राणों के साथ प्रणव की उपासना करते, ओंकार की उपासना करते करते एक ओंकार ओम तत्सत, ओम इतिकाक्षरम ब्रह्म, ओम सर्वम खलोइदम ब्रह्म, ओम ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। ओम कृतौ स्मर, ओम कृवे स्मर, ओम कृतं स्मर, ओम प्रतिष्ठ। बस मन ही मन ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ये प्राणायाम मंत्र है। पूरा मंत्र नहीं आता तो ओम ओम तो आता ही, ओम ओम का जप, एक एक श्वास के साथ प्रभु की दिव्यता का एहसास, मूलाधार से सहस्रार अष्ट चक्रों में मन को टिका लेना और प्रभो तेरी शरण, प्रभो उबार। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से कपाल भाति वैसे ही कर लेना, का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा, ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सामान्य तिब्रिया मध्यम गति से, सहज गति से, जैसे जिसको सुहाए अपने मन स्थिति और परिस्थिति के अनुसार, अपने चित्त की स्थिति के अनुसार, आप कपाल भाती करें और करते करते मूलाधार से सहस्रार तक इस देह को देवालय शिवालय बना लेते, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पुरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। 72,72,10,001 नाड़ियां जागृत प्रकाशित, अष्ट चक्र नव द्वार, पंच प्राण, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, इन पांच के फिर पांच पांच विषय, पांच पच्चीसी सब जागृत हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, पंच महाभूत, पंचकोश, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया और इनके पांच पांच विषय,
दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू, दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार तू, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, ओम एक देवता दाता एक राम, दाता एक राम, श्वासन के साथ ओम के नाम का जप किया, प्राणायाम का। जिनका चित्त अत्यंत शुद्ध है, जिनके आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण शुद्ध है, जिनकी दृष्टि शुद्ध है, जिनका चित्त पावन है, सेवा से, साधना से, सिमिरन से, सत्संग से, स्वाध्याय से, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुओं की सन्निधि से, आशीषों से, जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, उनका तो मन एक क्षण में एकाग्र हो जाता है भगवान, और फिर वो लोह, वो अंतर्ज्योत जो जगी, वे उस आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, अखंड ज्योति जलती रहती है, अखंड प्रकाश, अखंड ज्ञान, अखंड विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, अखंड भक्ति, अखंड सेवा, अखंड साधना चलती रहती होगी। फिर एकाग्रत नहीं हो पाता जिनका चित्त, फिर वो विवेक के साथ वैराग्य का आश्रय लेंगे, जिन विकारों में, जिस अंधकार में मैं जी रहा हूं, जिन विषय भोगों के क्षणिक सुखों को मैं सर्वस्व मान बैठा हूं, ये तो नाशवान है। न जातु काम कामानां भोगेन उपशाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। यत् पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः तदपि अनुदनं तृष्णा मम तेषोपजायते। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्त विरोधाच दुखम एव सर्वं विवेकिनः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण सर्वस्वीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण। विषयाः विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
सब जो कुछ ये दृश्यमान है, सब नाशवान है, अनित्य है, क्षणिक है। मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए, अखंड सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए। ये तो भगवान की शरणागति में है मेरे साथ। ये यौवन, ये रूप, ये लावण्य, ये सौंदर्य, ये ऐश्वर्य, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सब नाशवान है। ऐसा विचार करके विवेकी भगवान की ओर मुड़ता है। प्रभु, जो सब कुछ ये आपसे, मुझे तो आप ही चाहिए। प्रभु, आप इतना प्रेम प्रदान करो, ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया का प्यार आपके सामने है ही क्या? आपके प्यार में, आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में, आपकी उपासना में, आपके शरणागति में, आपके आश्रय में, आपके स्नेह में, आपके स्नेह आशीष से आशीषित हो जाऊं प्रभु। ये थोड़ा थोड़ा काम सुख ये मुझे आनंदित करता है, आह्लादित करता है, रोमांचित करता है प्रभु। अब आप मुझे उधर जाओ, जिससे ये क्षणिक आकर्षण भी मेरा छूट जाएगा। काम को राम में परिवर्तित करें, ओम में परिवर्तित करें। ये प्रभु, इस संसार में जो भी क्षणिक सुख है, ये भी सब आप ही का दिया हुआ प्रभु। आप, मैं आपकी ओर लौटूं, ऐसे मुझमें हिम्मत दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा सामर्थ्य दो, ऐसे आशीष दो मुझे प्रभु। मुझे अब मुझे उभारो प्रभु आप ही। क्रोध प्रभु, मैं बुरे कामों पर क्रोध करूं, बुरे विचारों पर, बुरी भावनाओं पर, दोषों पर, दुर्गुणों पर, दुर्बलताओं पर, जिन विकारों की, बंधनों की बेड़ियों में, मोहपाशों में मैं फंसा पड़ा हूं प्रभु, उन पर क्रोध करूं। मैं लोभ करूं प्रभु तेरी भक्ति का, तेरी शरणागति का, तेरे भजन का, तेरी सेवा का, तेरे सिमरन का। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह तुझमें आ सकती हो, तुझमें प्रीति हो प्रभु मेरे, तेरे आलिंगन में, तेरे एकत्व में, मैं तन्मय तद्रूप हो करके, ब्रह्मरूप हो करके प्रभु तेरी शरणागति में जीवों प्रतिपल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रभु अहंकार का जो विकार है उसको मिटा करके मुझे अपने अहम में, अपने स्व में, अपनी निजता में, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण प्रेम से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण ऐश्वर्य से, पूर्ण दिव्यता से परिपूर्ण आत्मा हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अहंकार को प्रभो मेरे अहम में, मेरे स्व में, मेरी निजता में, मेरी दिव्यता में रूपांतरित कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को प्रभु अब रूपांतरित कर दो। अविद्या को विद्या में रूपांतरित कर दो प्रभु। आ तो अनंत ज्योति संपन्न है, अनंत प्रकाश सा, आपकी ज्योति से ही आलोकित है सारा जीवन जहां प्रभु। अविद्या का, अज्ञान का अंधकार मिटाओ। अविद्या, अस्मिता, इस जगत के साथ मेरी एक रूपता ना रहे प्रभु, तेरे साथ मेरी एक रूपता रहे। दिक दर्शन शक्ति और एक आत्मिता ही अस्मिता, अस्मिता से मुझे प्रभु हटाओ। अब मैं अपने अस्मिता में, अपने आत्मस्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में मैं जी सकूं प्रभु, ऐसे मुझे दृष्टि प्रदान करो, रूपांतरित कर दो मेरे
अस्मिता को अपनी अस्मिता में मिला लो, अपने अस्तित्व में मिला लो। राग तुझसे करो प्रभु, जिनसे क्षणिक सुख मिलता है, जिन्होंने मुझे प्रेम दिया है, उस क्षणिक प्रेम से, क्षणिक मोह से, आसक्ति से उभारो प्रभु, अपना प्रेम प्रदान करो। और फिर आप ही के नाते सब जगत से नाता जोड़ो, आप ही के नाते सब कर्म करो, सब धर्म करो, सब सेवा करो, सब साधना करो। अविद्या अस्मिता राग, राग प्रभु आपसे, अनुराग प्रभु आपसे, द्वेष जिन्होंने मुझे दुख दिया उनसे द्वेष नहीं प्रभु, बुरे कामों से मुझ में द्वेष कर दो। जैसे जिन्होंने मेरा बहुत अहित किया है, एक क्षण के लिए भी उनसे मेरी प्रीति नहीं होती है, ऐसे ही जिस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने, विकारों ने, दुर्बलताओं ने, दोषों ने मुझे बहुत दुख दिया है, उनसे मेरी अप्रीति हो जाए प्रभु, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसे आशीष दो। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और अभिनिवेश मृत्यु का भय मुझे ला रहा है प्रभु, जब आप मेरे अग्रसर हो तो फिर क्यों डरो किसी से, मर भी गया तो प्रभु आपकी शरण हतो आप, आपसे सी स्वर्गम जीत पावा भोक्ष से। और प्रभु मैं सदा आप में था, आप में ही हूं, आप में ही रहूंगा, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि जिस सेवा के लिए दी है वो सेवा साधन हो जाए बस प्रभु, ऐसी समझ, ऐसा विवेक मुझ में पैदा कर। प्रत्यक्ष अनुमानागम प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम शब्दान शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु सन्नि विकल्प अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रम स्मृति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप जो वृत्ति। प्रत्यक्ष अनुमान आगम से प्रभु आप ही को अनुभव करो, और भी जगत के बहुत बड़े सत्य हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक बहुत प्रकार के सत्य हैं, इनमें आप परम सत्य है, आप नित्य सत्य है, शाश्वत सत्य है, अंतिम सत्य है प्रभु, आप ही को प्रमाण से जानो, मिथ्या ज्ञान से हटाऊं, सदज्ञान में अपने आप को लगाऊं, विपर्य से हटाऊं, विकल्प से हटाऊं, इस संकल्प में प्रतिष्ठित हो जाऊं, तन्मे मन शिव संकल्प, विकल्प से हट करके शिव संकल्प में प्रतिष्ठित हो जाऊं, निद्रा से हटकर के सदा जागरूक हो जाओ, उठते बैठते सोते जागते कभी भी मुझमें प्रमाद ना आए, निद्रा यानी अजागरूकता बेहोशी ना आए, सारी स्मृतियों में आप ही का स्मरण। तो जिन विकारों में हम उलझे होते हैं उनको हम रूपांतरित करें अनंत की ओर, भगवान की ओर, तो ये दो उपाय हैं। एक क्षण में एकाग्र हो जाए चित्त तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो चित्त जहां जहां जाए वहीं वहीं अपने विवेक से उसको रूपांतरित करे, तो ये एकाग्रता और रूपांतरण ये दो चरण है। क्षण क्षणय उपरमेत बुद्ध्यादृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अब चित्त एकाग्र हो गया है तो बस अब अनंत की ओर अपने आप को ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दो प्रभु, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादुर प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादुर प्रभु जी। तन में रोग है, मन में विकार है, क्लेश है, वासना है, बहुत अशुद्धि है, बार बार
अंधकार आकर के चित्त को आच्छादित कर देता है और सच सच देख नहीं पाता अपने आप। तो प्राणायाम कर लो साथ साथ, प्राणायाम पूर्वक ध्यान करो तो तन भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा, तथा क्षेत्र प्रकाश होगा, सारा अंधकार चढ़ जाएगा, सत्य परम सत्य प्रतिभाषित होगा। इसलिए प्राणायाम और ध्यान का विरोध नहीं है, प्राणायाम से तो ध्यान सहज लगता है। इफ यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली प्राणायाम देन वी विल एंटर ऑटोमेटिकली इन मेडिटेशन इन ट्रांसेंडेंट स्टेट, गुणातीत भावातीत। करो कृपा जगदीश्वर मेरे, मैं मूर्ख नादान नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूं। करो कृपा जगदीश्वर मेरे, मैं मूर्ख नादान नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूं। दो ऐसा वरदान मालिक, दो ऐसा वरदान मालिक, मिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार महाधो लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी। दिन तेरी होत है मैं आराधक दाता मेरे, इस दिन तेरी होत है, तेरी कृपा से ही मेरे अंदर जो भी खोट है, तेरी कृपा से ही मेरे अंदर जो भी खोट है, शरण लगा लो हे जगदीश्वर, शरण लगा लो हे जगदीश्वर, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार प्रभु जी चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी, दर्श तेरा प्यार बहा।
अष्टांग योग का आश्रय यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि योगांग अनुष्ठान असुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ज्ञान प्रभु अहिंसा के सत्य के अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह के शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रधान के मार्ग पर प्राणायाम पूर्वक आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक प्रभु आपके शरणागत में रहो। ऐसे प्राणायाम पूर्वक कपाल भाती किया, अनुलोम विलोम कर लिया। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिख कुछ बन न पाए मेरे बनाए। प्रभु अब तो अपनी शरण में ले लो। ऐसे भगवान की शरणागति पूर्वक जब प्राणायाम करते तो कपाल भाते अनुलोम विलोम ऐसे आधा घंटा कर ले दोनों, और एक घंटे में ध्यान भी हो गया, तन के रोग भी मिट जाएंगे, मन के विकार क्लेश और सारे अंदर के दोष दग्ध बीज निर्बीज हो जाएंगे। एक साथ दोनों काम, तन भी शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध हो गया, और तन मन के विकार मिटे, अंधकार मिटे, और फिर तो भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा और यह है क्या। भगवान की ऐसी स्वीकारिया था, इतनी श्रद्धा की पराकाष्ठा, भक्ति का अतिरेक कि मैं भगवान के आशीषों से पूरी तरह से अभिषिक्त हूं, आशीषित हूं, अनुग्रहित हूं, अनुलोम विलोम ऐसे भाव से कर लो तो ध्यान लग जाएगा अपने। तो जिनका चित्त मन भक्ति में नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगता, योग में नहीं लगता, हृदय चक्र में आज्ञा चक्र में नहीं लगता, तो कपाल भाते अनुलोम विलोम करते करते, क्योंकि कर्म में मन सहज एकाग्र हो जाता है और कर्म को ही भक्ति बना ले तो फिर अपने आप ही मुक्ति हो जाती है, सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति। और जब हम कर्म को अपनी भक्ति बना लेते हैं तो सहज ज्ञान तो हर एक आत्मा में है, वो स्वाभाविक ज्ञान अपने भीतर आत्मा तो है ही, ज्ञान स्वरूप अपने अंदर से अपने आप वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है और सारे अज्ञान अंधेरे को अपने आप ही मिटा देता है। तो अनुलोम विलोम ये भी भावपूर्वक, जैसे बार बरसा बरस रही है, ऐसे भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की ज्योति सदा हम पर बरस रही है। सब ओर से, सब दिशाओं से हम भगवान के आशीषों से अभिषिक्त ही हैं, बस उसको अनुभव कर ले। बन न पाया मेरे बनाए,
प्रभु की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गवाए हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन जाने न पाए यह
क्या मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार का कुछ भय रह न जाए, संसार का कुछ भय रह न जाए। बन न पाया मेरे बनाया। ऐसे जिनका चित्त सहज नहीं लगता ध्यान में, वो भस्त्री का कपार भाति अनुलोम विलोम, ये करते करते ध्यान लगा ले। एक तरफ प्राणायाम भी हो रहा है, दूसरी तरफ प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्रमी है। यम नियमों का पालन करना अर्थात अपने मन को हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से हटा करके, हिंसा झूठ से, बेईमानी से, असंयम से, परिग्रह से, अशुचिता से, असंतोष से, विलासिता से, आत्मयुक्ता नास्तिकता से अपने मन को हटा करके आसन में बैठ के प्राणायाम करते करते प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और त्रयम एकत्र संयम तज्जयात प्रज्ञा लोक, अपने आप को प्रकाशित करने का यही उपाय है, यही उपाय। तो 99% लोग ऐसे ही ध्यान कर पाएंगे, 1% लोग होंगे जो जन्म जन्मांतरों के आध्यात्मिक संस्कारों से इतने प्रकाशित होंगे कि एक क्षण में संकल्प किया और संकल्प समाधि भाव समाधि लग गए। शेष ऐसे ही यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञा लोक पूर्वक ये योग का आरोहण पाए, योग का प्रकाश पाए। अनुलोम विलोम के बाद ऐसे ब्रह्मरुद्र गीत भी कर ले।
मौन हो जाए, शांत हो जाए, श्वासों के साथ अंतर्मुखी होकर हृदय चक्र में अपने मन को टिका दे, तो वह आपकी शरणागत है। मन ही मन ओंकार या गायत्री का ध्यान करते हुए फिर वह स्थिति आती है कि नाम भी पीछे छूट गया, मंत्र भी पीछे छूट गया, नाम जिसके का ले रहे थे वो नाम ही, मंत्र से जिनको आमंत्रित कर रहे थे, अभिमंत्रित कर रहे थे, वो भगवान अनुभव में आ जाते हैं। प्रभु आपकी शरण, सद ज्ञान दो, सद्भाव दो, सतपथ पर आगे चलने का सामर्थ्य दो, सम्यक मति दो, सम्यक भक्ति दो, सम्यक कृति दो, सम्यक सात्विक प्रकृति बना दो मेरी। प्रभु सब दिशाओं से मैं दिव्यता से उत्प्रोत रहूं, तेरी कृपा से, तेरे आशीषों से आशीषित रहूं, अभिषिक्त रहूं, तेरे आलंबन में, तेरे आलिंगन में, हर पल हर क्षण प्रभु तेरे साथ एकात्म रहूं, तदरूप रहूं, ब्रह्मरूप रहूं। प्रभु हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं, तुझ में ही सदा स्थित रहो, एक क्षण के लिए भी तुझसे दूर न हो। प्रभु मेरा हृदय, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरा चित्त, मेरी चेतना, मेरा पूरा जीवन, मेरे सारे कर्म आपसे प्रकाशित हो। प्रभु आप ही के लिए हो सब कुछ, आपके सिवा भी है कि आपका ही सब कुछ है, आपसे ही सब कुछ है, आपके लिए ही सब। ये पिंड, ये ब्रह्मांड सब कुछ ओंकार में है, आपसे ही कुछ प्रकाशित है, आलोकित है। ध्यान करते करते मौन में निशब्द हो जाते, पूरी नीरवता, आप ही सब नाम रूप प्रभु, नाम रूप से परे भी विश्वमय विश्वातीत आप ही हैं प्रभु। आपके इस अपर रूप के साथ साथ प्रभु आपके पर रूप को भी अनुभव कर सके, ऐसी मति भक्ति, ऐसी शक्ति दो। ओमुद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्। अनंत कोटि सूर्यों जैसा आपका प्रकाश है, आप अनंत प्रेम करुणा के, आनंद के सिंधु हैं।
आप अनंत ऐश्वर्य अनंत गुण कर्म स्वभाव अनंत दिव्यता युक्त सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वेश्वर परम दयालु परम कृपालु मैं प्रभु मैं आपकी शरणागत उद्धार करो स्वीकार करो ऐसी विवेक वैराग्य षटक संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और मुमुक्षत्व पूर्वक भगवत दर्शन की अभीप्सा के साथ अभीप्सा त्याग जो भी इस मार्ग में बाधा बन के खड़े भगवान ही से प्रार्थना करते हुए उनको हटाने का पुरुषार्थ करना त्याग और समर्पण प्रभु अब आपके शरणागत स्वीकार करो प्रभु यदंगदास से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अग्निरा प्रभु मैं तो हो जाऊं और तू मुझ में उतर जा मेरे मस्तिष्क में मेरे हृदय में मेरे मन में मेरे प्राणों में मेरे अस्तित्व में प्रभु तू ही तो मैं तेरा यंत्र बन जाऊं तेरा प्रतिरूप बन जाऊं प्रभु मैं आत्मस्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में ही सदा जी हूँ प्रभु ऐसी मुझ पर कृपा करो ऐसी मुझे आशीष दो प्रभु ऐसा अनुग्रह करो ऐसे मौन हो करके पूरी नीरवता में कुछ क्षणों के लिए सब नाम रूपों से भी परे यतो वाचा निवर्तन्ते आप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गति ऐसे मौन ध्यान भी अपने आप संपन्न होगा और प्रभु के आशीषों से और अधिक अभिषिक्त होंगे तो यह अष्टांग योग पूर्वक यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक सहज समाधि जीवन मुक्ति की युक्ति सब रोग सब विकार सारे अंधकार सारे दुखों की समाप्ति और भगवान की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति का ये सहज उपाय है जिनके तन जिनके मन रोगों से विकारों से अंधकार से भरे हुए हैं वे कपार भाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करके और फिर इस व्याधि से मुक्त होकर के समाधि का सुख पाएं सब तन मन के विकारों से मुक्त होकर के इसी जीवन में प्रभु से भगवान से युक्त होकर के और ये जीवन मुक्ति का सुख पाएं विकारों की दुखों की समाप्ति और भगवत प्राप्ति का ये सहज मार्ग महर्षि पतंजलि ने हम सबको बताया।